Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter in the earlier cities, and this is your chapter 3 in the new book and chapter 4 in the old book. And under this chapter we have discussed about the earlier cities. The earlier cities which developed in the Indian subcontinent around 4700 years ago, and it developed on the banks of the river Indus and its tributaries. And we have seen how advanced and how developed the cities were. Everything was planned, the housing, the street, the drainage, everything was planned. And the craft persons, the rulers, the scripts were there, the seals and sealings, then various types of craft. We have discussed all these things. And we have also seen that people used to, the rulers used to bring things from distant places which were called raw materials in order to make different things. You know? These things were made by the order of the ruler, and the things were made by the craft persons. And we have also seen that in some cities, we had a closer look of the some cities like हमने देखा धोलावीर के बारे में कि वहाँ की क्या स्पेशल फीचर्स थी इन अर्लियर सिटीज के रिगार्डिंग. वहाँ पर जो गुजरात का एक ये सिटी था जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था कि किस तरह से यहाँ पर जो सिटी थे वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड थे, और यहाँ पर जो एक बहुत ही बड़ा सा ओपन एरिया होता था जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि पब्लिक सेरेमनीज वहाँ पर हुआ करते थे. एंड इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही जो अलग तरह की जो फाइंडिंग मिली है वो है कि हरप्पन स्क्रिप्ट के बहुत ही बड़े बड़े लिखे हुए लेटर्स हैं, ठीक है, वाइट स्टोन में लिखे हुए लेटर्स मिले हैं. ये बहुत ही यूनिक फाइंडिंग है यहाँ की. इसके बाद हमने लोथल को भी डिस्कस किया था, जो कि लोथल इज ऑल्सो वन ऑफ द साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, एंड दिस इज प्रेजेंटली इन गुजरात, है ना. और ये देखा था कि यहाँ पर एक स्टोर हाउस मिला है जिसमें बहुत सारे सील और सीलिंग्स हमें देखने को मिलते हैं. और इसके अलावे हमने ये भी देखा कि यहाँ पर एक डॉकयार्ड भी था जो कि रिवर से चैनलाइज था, और जहाँ पर शिप्स आते थे फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयरिंग, ठीक है. तो इस तरह की चीज़ों को हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है. और लास्ट में हमने ये भी देखा था कि किस तरह से ये जो सिविलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं विच इमर्ज्ड 4700 ईयर्स अगो, किस तरह से वो 3900 ईयर्स अगो इट स्टार्टेड टू एंड, ठीक है, इसके एंड की स्टार्टिंग हो जाती है. बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जिसमें हम क्या देखते हैं कि पीपल स्टॉप्ड लीविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज, देन रॉ मटेरियल्स जो बाहर बहुत दूर दूर से मंगाए जाते थे वो बिल्कुल भी बंद हो गए. राइटिंग्स और सील्स भी नहीं मिलने लगे बाद की पीरियड के. देन ये भी देखने आया कि कुछ जैसे मोहनजोदड़ो में गार्बेज तो जो था वो स्ट्रीट पे ही पाइल्ड अप हो जा रहा था. जो सिटीज बन रहे, जो हाउसेस बनते थे उनका बहुत अच्छा जो क्वालिटी की हाउस थी, जिस तरह की प्लानिंग हुआ करती थी उस तरह की प्लानिंग अब नहीं हो रही थी. तो ये सब चीज़ें जो देखते हैं तो इससे यही समझ में आता है कि द सिविलाइजेशन वॉज हेडिंग टूवर्ड्स एंड. और इस एंड का क्या रीज़न था, वाई ऑल दिस हैपन, व्हाट वॉज द रीज़न बिहाइंड इट, इट इज़ नॉट येट क्लियर. देयर आर पॉसिबिलिटीज बट नथिंग इज 100% श्योर. देयर इज वन पॉसिबिलिटी दैट द रिवर्स मे हैव ड्राइड अप, एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्राइंग अप ऑफ द रिवर द लाइफ वॉज नॉट पॉसिबल इन दिस एरिया, एंड दैट इज वाई द सिविलाइजेशन केम टू एन एंड. There are some who are of the opinion that deforestation may be the reason for the end of the civilization,
बिकॉज जो वो उनको फ्यूल की बहुत ज़्यादा, दे वर इन नीड ऑफ फ्यूल बिकॉज दे नीडेड फ्यूल फॉर द बेकिंग ऑफ द ब्रिक्स, दे नीडेड फ्यूल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर ओर्स. तो फॉर ऑल दीज रीजन्स देर वॉज नीड टू कट द फॉरेस्ट. तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक बहुत बड़ा रीज़न बना कुछ लोगों के अनुसार. इट्स नॉट क्लियर, मे बी बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन दिस सिविलाइजेशन हैड एंडेड. देन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ओवर ग्रेजिंग हुई, बहुत कैटल थे, पीपल वर हर्टिंग द एनिमल्स. तो ये जो कैटल थे वो ओवर ग्रेजिंग करते थे और इसके कारण जो ग्रीन कवर था वो डिस्ट्रॉय हो गया था. ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोगों का कुछ ये भी कहना, कुछ हिस्टोरियंस सम हिस्टोरियंस आर ऑफ द व्यू दैट द सिविलाइजेशन मे हैव कम टू एन एंड बिकॉज ऑफ फ्लड. फ्लड के कारण भी वो एंड हो गया हो. तो जो भी हो, रीजन इज नॉट क्लियर. एंड वन मोर थिंग इज देयर दैट व्हेन वी से व्हेन द हिस्टोरियंस आर सेइंग दैट ड्राइंग ऑफ द रिवर और फ्लड मे बी द रीजन फॉर द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन, सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट इन ऑल द सेटलमेंट्स इन ऑल द साइट्स ऑफ दिस हरप्पन सिटीज इन दिस ड्राइंग अप ऑफ द रिवर वॉज हैपेंड साइमल्टेनियसली. दिस फ्लड हैड कम साइमल्टेनियसली, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये होता किसी एक साइड पे फ्लड आया, दो साइड पे फ्लड आया, पूरे की पूरे साइड पे एक साथ फ्लड तो नहीं आएगा, पूरी की पूरी नदियाँ एक साथ तो नहीं ड्राई अप करेंगी. तो ये क्लियर नहीं है, इट इज़ नॉट क्लियर. इस बारे में बहुत हद तक यही समझ में आता है कि जो रूलर्स थे वो अपने कंट्रोल को लूज कर चुके थे जिस समय की हम बात कर रहे हैं 3900 ईयर्स अगो, जबकि ये सिविलाइजेशन एंड होना स्टार्ट हो जाती है 3900 ईयर्स अगो. तो इसमें क्या होता है कि रूलर्स अपनी कंट्रोल को लूज कर चुके थे. ठीक है, और सिंध में और वेस्ट पंजाब में ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जो अबैंडन्ड हो गए, जिनको लोगों ने जहाँ पर लोगों ने रहना बंद कर दिया. ठीक है, और फिर लोग जो है वो नए सेटलमेंट्स की तरफ मूव करते हैं टूवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ. अभी जो लोकेशन है इस इंडस वैली का वो कौन सा है, इंडस रिवर वाला जो प्लेस है, जो रीजन है, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में वो सिविलाइजेशन ग्रो किया था. बट जब ये एंड होने लगता है एंड पीपल स्टार्टेड अबैंडनिंग द साइट्स एंड दे स्टार्टेड टू मूव, दे स्टार्टेड टू मूव इन टू डायरेक्शन, ईस्ट और साउथ. ठीक है, तो इस तरह से ये एंड हो जाता है. और इसके बाद इसके 1400 साल बाद न्यू सिटी जो है वो इमर्ज करती है. तो ये कब होगा, अगर आप 3900 में से 1400 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 2500 ईयर्स अगो, यानी कि 2000 में से फिर से हम 2000 माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 500 बीसी. ठीक है, 500 बीसी के अराउंड इतना चीजें, अगर ये चीजें आपकी समझ में नहीं आती हैं तो देर इज नो नीड टू वरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो जो एंड हो रहा है सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कब हो रहा है, आज से 3900 ईयर्स अगो की बात की जा रही है. ठीक है, और ये सिविलाइजेशन एंड हो जाता है, उसके बाद जो न्यू सिविलाइजेशन डेवलप करती है इस इंडस वैली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो न्यू सिटीज, सिटी नॉट विलेज, जो न्यू सिटी डेवलप करती है वो इसके 1400 साल बाद डेवलप करती है. ठीक है, ये जो 3900 ईयर्स अगो जो सब कुछ हुआ उसके 1400 साल बाद ये नया सिटी जो है वो डेवलप करता है. तो यानी कि ये हो गया आज से 2500 ईयर्स अगो. ठीक है, और फिर जब 2500 ईयर्स अगो की बात हो गई कि नया सिटी डेवलप किया, तो ये कब का होगा, ये आज से 2000 साल पहले का होगा. मतलब अभी को 2000 मानेंगे तो 2000 में से हम लोग 2500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 5000 आएगा जो कि 500 आएगा जो कि बीसी हुआ.
तो 500 BC की ये बात है कि न्यू सिटीज जो है वो डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग ये देखेंगे कि 500 BC में न्यू सिटीज डेवलप्ड। और 3900 ईयर्स अगो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 3900 ईयर्स अगो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड होता है उसके बाद 500 BC में जाकर के नए सिटीज जो है वो डेवलप करते हैं, ओके। एंड नाउ वी विल सी व्हाट वाज हैपनिंग एल्सवेयर। सो वी विल सी व्हाट वाज हैपनिंग इन इजिप्ट। इजिप्ट जो है वो अफ्रीका का एक कंट्री है और इजिप्ट का भी जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ही रिच सिविलाइजेशन था, जस्ट लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगर हम इसके टाइम पीरियड को भी देखते हैं तो बोथ दीज सिविलाइजेशन हैव ऑलमोस्ट द सेम टाइम पीरियड, बिकॉज दिस सिविलाइजेशन इमर्ज्ड अराउंड 5000 ईयर्स अगो, ठीक है। 5000 ईयर्स अगो ये इमर्ज किया था। और जो इंडिया का सिविलाइजेशन जो इंडस वैली अभी हमने देखा वो भी 4700 ईयर्स अगो इमर्ज किया था, तो टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पर जो इजिप्ट है वहाँ पर किंग्स का रूल हुआ करता था, द किंग्स वर द रूलर एंड दीज किंग्स सेंट देयर आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेनी आइटम्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीसियस स्टोन्स, एज वी सॉ इन केस ऑफ इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो। वी हैव सीन दैट the rulers sent people to get these raw materials from various parts of the country from distant lands. तो इस तरह से वहाँ पर भी जो rulers होते थे वो अपनी army को भेज के बहुत दूर दूर से चीज़ों को मंगाते थे, ठीक है। and वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े टॉम्ब बनते थे। टॉम्ब क्या होता है, जब किसी का डेथ होता है और जब उसको जमीन में बरी किया जाता है तो उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टॉम्ब। और ये जो टॉम्ब है ना, वहाँ पर जो टॉम्ब बनते थे वो ह्यूज टॉम्ब्स होते थे। और इन्हीं ह्यूज टॉम्ब्स को क्या कहा जाता था, ह्यूज टॉम्ब्स वर देयर एंड दीज वर कॉल्ड पिरामिड्स, ठीक है। इन ह्यूज टॉम्ब्स को पिरामिड्स कहते थे। तो ये जो पिरामिड्स होते थे उसमें क्या होता था कि ये दीज पिरामिड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इजिप्ट। द रूलर्स व्हेन दे डाइड दे वर देयर बॉडीज, द बॉडीज ऑफ द किंग वर प्रिजर्व्ड, ठीक है। पहले तो उसको प्रिजर्व किया जाता था, उस पर कुछ ऐसे केमिकल्स लगाए जाते थे बॉडी पे ताकि बॉडी प्रिजर्व्ड रहे, ख़राब ना हो, ठीक है। क्योंकि जब हम हमारे डेथ हो जाएगी अगर, तो फिर हमारी बॉडी जो है ना वो डिके करने लगती है, बिकॉज जब तक हम चल रहे हैं तब तक सही है, जब तक सांस आ रही है जा रही है एवरीथिंग इज़ फाइन। जिस दिन जैसे ही डेथ होती है इंसान की, उसकी बॉडी जो है वो डिके करने लगती है, डिके मतलब ख़राब होने लगती है, ठीक है। तो अब ये जो रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल माने जाते थे, बहुत उस समय की वहाँ पर जो सोच थी उसमें था कि उनकी बॉडी को बरी किया जाता था ह्यूज टॉम्ब्स में, और बॉडी को पहले प्रिजर्व किया जाता था कुछ केमिकल्स लगा करके, और उसके बाद ये जो पिरामिड्स जिसको हम ह्यूज टॉम्ब्स कह रहे हैं, जिसको हम पिरामिड्स कह रहे हैं, इन पिरामिड्स में उनकी बॉडी को बरी किया जाता था। और ये जो इस तरह की जो बॉडी होते थे जिनको कि कुछ केमिकल लगा के प्रिजर्व किया जाता था, इस बॉडी को क्या कहते थे, दीज बॉडीज वर कॉल्ड ममीज।
ओके, दीज बॉडीज वर कॉल्ड ममीज। अब ये जो ममी होती थी, इसको राजा की बॉडी थी, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो थे वो भी बरी किए जाते थे, जैसे फूड एंड ड्रिंक है, कि मतलब ऐसा माना जाता था कि लाइफ इज देयर आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी लाइफ होती है किसी ना किसी फॉर्म में, ये उनका मानना था। तो इसलिए वो क्या करते थे कि जो डेड बॉडी बरी की जा रही है उसके साथ साथ वो कुछ खाने पीने की चीज़ें भी डाल देते थे, क्लोथ्स डालते थे, ऑर्नामेंट्स डालते थे, यूटेंसिल्स डालते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक डालते थे, वेपन्स डालते थे, यहाँ तक कि एनिमल्स भी डाल देते थे कि भाई मतलब उनको किसी भी चीज़ की, जो भी चीज़ की जरूरत होगी वो उनको मिल जानी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो तो टॉम में बंद है, उनको कुछ भी ऐसा चीज़ की जरूरत पड़ा जो कि नहीं है उनके पास टॉम में, तो फिर तो उनको बहुत परेशानी होगी, और वो तो रूलर है तो उनको सब कुछ मिलना चाहिए, है ना। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो क्या होता था ना कि जो सर्विंग मैन एंड वुमेन होते थे उनको भी, मतलब सर्वेंट्स जो हुए, मेल सर्वेंट्स, फीमेल सर्वेंट्स, उनको भी राजा के साथ बरी किया गया था, मतलब लिविंग थे वो जिंदे होते थे, उनको किंग की जो डेड बॉडी होती थी उसके साथ उनको भी बरी किया दिया जाता था। दीज वर द प्रैक्टिसेस, है ना। और इस तरह का जो एलाबोरेट ब्यूरियल है वो सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट में ही होता था, इतना एलाबोरेट ब्यूरियल और कहीं भी हमको नहीं देखने को मिलता है हिस्ट्री में। तो एलाबोरेट का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे चीज़ों के साथ, एकदम ताम झाम जिसको हम कहते हैं, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस के साथ ये ब्यूरियल होता था, ठीक है। तो ये हमें यही जानना था इजिप्ट की ये स्टोरी है। अब हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है उसको करेंगे, जो कि द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, वी हैव डन ऑल दोज क्वेश्चंस। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रॉम विद इन द चैप्टर, फ्रॉम बिटवीन द चैप्टर, ठीक है। उस चैप्टर के बीच से ही जो क्वेश्चंस है हम लोग उसको देखेंगे। So we will discuss extra questions, okay? So there can be any number of questions from between the chapters, okay? बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, ओके, कि किस तरह से कहाँ पर से क्या क्वेश्चन निकल सकता है, सो दैट वेन एवर यू रीड द चैप्टर यू मस्ट बी अवेयर दैट फ्रॉम वेयर देयर कैन बी अ क्वेश्चन, एंड वेन यू विल अंडरस्टैंड दिस कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यू विल स्टार्ट अंडरलाइनिंग दैट पोर्शन, बिकॉज यू विल बिकम अवेयर कि क्या इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसलिए ये वॉट एवर आई एम डूइंग जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ टू प्रिपेयर प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट, स्पेशली आर सब्जेक्ट द सोशल स्टडीज, बिकॉज इसमें अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं हम उसको कर लिए तो वी हैव कम्प्लीटेड आर वर्क, नो, दैट इज नॉट द केस। You will have to read the chapter, but you don't need to memorize the whole chapter. That is not possible also. You just try to read the chapter, try to understand the chapter in a complete manner. You must understand it, and then you must try to understand the questions. कहाँ से questions आ सकते हैं, कौन सा question बन सकता है, then only you will be able to understand it in a proper manner, okay? तो ये जैसे एक बहुत ही simple question है, name the place where the great bath has been discovered, okay? The question is, name the place where name the place where the great bath
has been discovered. The answer is Mohenjo-daro, है ना? Mohenjo-daro में ही जो great बात है वो हमें मिला है. Okay, so your answer will be complete sentence. It's not one word answer. Okay, complete sentence should be there that the place where the great bath has been discovered is Mohenjo-daro. Okay, and now we will see that another question is name the group of the people who usually did not live in the cities but they lived in the countryside. Okay, so I'm writing the question, name the group of the people who lived in, name the group of the people who lived in the countryside. We have discussed that the rulers, the scribes, the crown persons, they were the people who lived in the cities. And in the countryside, who were living? The farmers. Okay, so क्योंकि वहीं पर वो farming करते थे, तो they lived in the countryside. Okay, the answer is farmer. Okay, this is your answer. It should be the complete sentence. The group of the people who lived in the countryside was a farmer. Okay, and now we come to the next question. So now the next question is how did the Harappan cities come to an end? Okay, how the Harappan cities come to an end? Our answer will be that the answer will be ki the reason for the end of the Harappan cities are not known to historians, but it is believed that there may be the following reasons like deforestation, drying up of the rivers, losing of the control of the rulers, then flooding, overgrazing, anything can be the reason, it is not known. So your answer should be like this only. Okay, so I will write the answer. The reason for the end of the reason for the end of Harappan civilization is not known to historians, it is
बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड दैट इट मे हैव कम टू एन एंड इट मे हैव कम टू एन एंड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग reasons. Because of following reasons. Okay, अब हमें reasons देना है, तो reason में हम ऐसे इसको नीचे दे सकते हैं, but because there is scarcity of space, तो मैं इसको एक line में ही दे दे रही हूँ point wise करके, जिसे फर्स्ट हम करेंगे फ्लडिंग, सेकेंड हम कर सकते हैं ड्राइंग अप ऑफ द रिवर्स, थर्ड हम कर सकते हैं ओवर ग्रेजिंग, फोर्थ हमारा हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन, ओके डिफॉरेस्टेशन फोर्थ रीजन, और फिर फिफ्थ हम यहां पर फिर से आई एम गिविंग इट दिस साइड, यू आर एबल टू सी, फिफ्थ रीजन इज loss of control by the ruler. जो ruler थे उनका जो control था वो कम हो चुका था, ठीक है, इस वजह से ये हो रहा था. And now our next question is like name the two cities of Harappan civilization which had fire altars. You remember the name of the cities? Name the two cities named the two cities of Harappan civilization which had fire altars. ये कौन से दो cities थे जहां पर fire altar जो है वो हमें मिले हैं, that is Lothal and Kalibangan. Answer is Lothal ओके. इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, लाइक डिफाइन रॉ मटेरियल, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय रॉ मटेरियल या व्हाट इज रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स. ओके सो डिफाइन define raw material. The answer is raw materials are substances that are raw materials are substances that are either formed naturally or
इधर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स एंड हर्डर्स. ओके, एंड इसी तरह से एक और क्वेश्चन है. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं. एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर. लाइक हाउ डू वी नो दैट कॉटन वॉज ग्रोन इन मोहनजोदड़ो. सो हाउ डू वी नो अबाउट दिस, बिकॉज द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पीसेज ऑफ क्लोथ्स है ना विथ वर्सेज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन मोहनजोदड़ो. And this proved that cotton was used in Mohenjo-daro. Okay, so I'm writing down the question. The question is, how do we know that cloth was used by people in Mohenjo-daro? The answer is archaeologists have found pieces of clothes with horses This is all for today, and in the next class we will start the next chapter. Okay.